राजस्थान में शुरू हो गई है सबसे बड़ी जंग। मुकाबला है मोदी मॉडल और गहलोत मॉडल के बीच। मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं ने कर दिया है प्रधानमंत्री को बेचैन। मैं पूरे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेने आया हूं। एक के बाद एक कर रहे हैं राजस्थान के दौरे। गुर्जर बिल के बाद अब 4 फरवरी को मीना हाईकोर्ट आ रहे हैं मोदी। विधानसभा चुनाव को लेकर इतनी जल्दी चुनावी मैदान में उतरने की क्या है वजह? कहीं गहलोत के मिशन 156 ने तो नहीं कर दिया मोदी को परेशान? जब मैंने जान लगा दी है सरकार चलाने के अंदर, कोई कमी नहीं रखी है, रात दिन मैंने एक कर दिया है। देश भर के सियासी नजरिए और राजनीतिक विश्लेषकों की लेखनी राजस्थान के साथ देश की दो दिग्गज नेताओं पर है। वो है पीएम नरेंद्र मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने में तीसरी बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और चौथा दौरा फरवरी में दौसा के मीरा हाईकोर्ट में प्रस्तावित है, जहां राहुल गांधी और टीम रात्रि ठहराव भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर चुके हैं। सियासी हलकों में चर्चा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फ्लैगशिप योजनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को मजबूर कर दिया है कि वो लगातार दौरे कर चुनावी माहौल को बदलने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 156 सीटों का फार्मूला देकर राजस्थान भाजपा में हलचल पैदा कर दी है। जब मैंने जान लगा दी है सरकार चलाने के अंदर, कोई कमी नहीं रखी है, रात दिन मैंने एक कर दिया है और एक 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 रात और दिन एक कर रहा हूँ। किसी भाई चिंता नहीं करी, चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोरोना मुझे 3 बार हो गया हो, तो 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी है। 500 किसे कहते? 500 सारी पौड़ी पार्टियों में साथ देने का प्रयास किया। धर्म गुरुओं को, आम लोगों को भूखा नहीं सोना चाहिए, दवाएं फ्री, इंजेक्शन फ्री, क्या नहीं किया हम लोगों ने। इसकी सबसे बड़ी वजह चिरंजीवी योजना, शहरी मनरेगा, इंदिरा रसोई, फसली कर्ज की माफी, मुफ्त बिजली, ओल्ड पेंशन स्कीम सहित तमाम 33 फ्लैगशिप योजनाओं का खाका जो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तैयार किया है। राजस्थान में गुर्जर और मीणा मतदाता एक तिहाई सीटों पर परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए ये दोनों ही जातियां, जिनका वोट प्रतिशत प्रत्येक चुनाव में बेहतर रहा है, मायने रख रही है। भगवान देव नारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देव नारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुर्जर समुदाय के देवता के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के पीछे धार्मिक मान्यताओं के इतर प्रभावशाली समुदाय को लुभाने की कोशिशों का हिस्सा है। ये ऐसे समय में बेहद अहम हो जाता है जब कांग्रेस के राजस्थान में प्रमुख नेता सचिन पायलट राजनीतिक टकराव के तौर पर उभर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पीछे एक सियासी तस्वीर भी है, जो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से करीब 40 और लोकसभा की एक दर्जन सीटों पर अपने मतों से परिणाम को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की एक बड़ी वजह ये भी है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से मैदान में उतारे गए सभी 9 प्रमुख गुर्जर उम्मीदवार चुनाव हार गए थे, जबकि कांग्रेस से मैदान में उतारे गए इसी समुदाय के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया था। टोंक से सचिन पायलट, बांसूर से शकुंतला रावत, विराटनगर से इंद्राज सिंह गुर्जर, मूदी से अशोक चांदना और बसपा के टिकट पर जोगिंदर अवाना, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। राजस्थान भाजपा की कोशिश है कि प्रदेश में कांग्रेस में चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच में अगर गुर्जर मतदाताओं को अपनी ओर मोड़ा जाए तो परिणाम बेहतर रह सकते हैं। ऐसे में ये दौरा सियासी हलके में बेहद मायने रख रहा है। वहीं गुर्जरों ने कांग्रेस को वोट दिया, उसके पीछे की वजह सचिन पायलट को सत्ता की बड़ी कुर्सी मिलने के सपने का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में ये मतदाता आसानी से कांग्रेस से छिटक सकते हैं। इसका फायदा उठाने का मौका भाजपा अपने हाथ से छूटने देना नहीं चाहती। राजस्थान में गुर्जरों की आबादी 9% के करीब है। पूर्वी राजस्थान में इसका जबरदस्त प्रभाव है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फ्लैगशिप योजनाओं
और MBC आरक्षण के चलते भाजपा के लिए गुर्जर मतदाताओं को अपने पक्ष में करना आसान नहीं होगा। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से करीब 70 में MBC वोट बैंक 25 से 75 हजार के बीच में है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं को बेहद गंभीरता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला संभावित दौरा दौसा के मीरा हाईकोर्ट में है, जहां राजस्थान की राजनीतिक ताकत के रूप में सभा हो सकती है। सियासी समीकरण तय करने में ये प्रभावी कदम साबित हो सकते हैं। राजस्थान चौक के लिए अंकित तिवारी की रिपोर्ट।